जितने भी स्टार्स हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं सारे, सबसे पहले हमारे बहुत सीनियर हैं जिनको पंजाब में चाचा चतर सिंह के नाम से जाना जाता है, हमारे बहुत सीनियर जसविंदर भल्ला जी, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। और इनके डायलॉग वहाँ पर पंजाबी बच्चों के मुँह पे, माँ बाप के मुँह पे ऐसे चढ़ते, मतलब जो माँ बाप बच्चों को कहते हैं वो भी इनके डायलॉग में कहा जाता है, और जो बच्चे माँ बाप को कहते हैं वो भी इनके डायलॉग में कहा जाता है, ये इनकी बहुत बड़ी खासियत है। सो जसविंदर भल्ला सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मुंबई की इस पावन नगरी पे। हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आएँ और बहुत बड़ा नाम यहाँ पर अपना बनाएं। और उसके बाद वैसे तो मोहताज नहीं है, क्योंकि ये वो नाम है जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा। कॉलेजेस में हमें स्किट्स कराने आते थे, हमें ड्रामा कराने आते थे, कॉमेडी के तो बादशाह हैं ही हैं, लेकिन जब रुलाने पे आते हैं तो इनसे ज़्यादा रुला भी कोई नहीं सकता। और बहुत बड़ा नाम पंजाबी सिनेमा का, पंजाबी टीवी का, पंजाबी कॉमेडी का, गुरप्रीत कुगीपा जी आज हमारे बीच हैं, इनके लिए भी एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाएं। शब्द कम है मेरे पास, तो मैं इनकी तारीफ तो क्या कर सकते हैं, वो अभी हम नीचे बात कर रहे, जब आंखें खुली तो कयामत से कयामत तक थी, और उस कयामत ने ज़िंदगी में ऐसी कयामत लाई है कि आज हम मुंबई पहुँचे हैं इनको देख देख के, इनको सीख सीख के। सर थैंक यू वेरी मच, आप हमारे पंजाबी सिनेमा को, इतिहास को यहाँ इतना गर्वित महसूस होगा। अरे नहीं, ये मेरी खुशकिस्मती है, थैंक यू सो मच गिपी कि आपने मुझे इसमें इंक्लूड किया, क्योंकि ये पंजाब की जो फिल्म है कैरी ऑन जट्टा जो 1 आई थी वो सबसे बड़ी कामयाब फिल्म रही है, और 2 ने शायद उसका रिकॉर्ड तोड़ा है, और अब 3 जो है वो उसका रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है। तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर एंड इट्स अ ग्रेट प्लेजर, सारी टीम को मेरी तरफ से शुभकामनाएं एंड ऑल द वेरी बेस्ट सोनम टू यू एंड टू गिपी एंड द एंटायर टीम। समी जी, गिपी भाजी आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं पहले तो थैंक यू सो मच भाजी का, बहुत थैंक यू आप सब आए, क्योंकि हमारी पहली पंजाबी फिल्म है जो इस लेवल पे रिलीज़ हो रही है। बाकी बातें मुझे लगता है बाद में करेंगे, पहले ट्रेलर देख लेते हैं। इसलिए तारीफ हो रही थी मेरी, वो खुद फ्री होना चाह रहा था, मुझे लगा इतना अच्छा हूँ नहीं मैं जितना बोल दिया इसने, तो ये माइक मेरे पे आ रहा था। सबसे पहले मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आज आपने हमें एहसास करा दिया कि हम वास्तव में, हमारा जो रीजनल सिनेमा है पंजाबी का, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। वरना मैंने देखा कई बार यहाँ पे होते हैं हमारे रीजनल सिनेमा के इवेंट्स ऐसे, लेकिन 8 से 10 के बीच में जर्नलिस्ट आते हैं, तो आज मुझे लगता है 8 से 10 होंगे जो नहीं आ पाए किसी कारण। तो आज जो हमें आप अहमियत, जो मोहब्बत, जो खलूस आप दे रहे हैं, ये हमें हमेशा याद रहेगा। और सिनेमा कोई भी हो, सिनेमा की कोई एक भाषा, एक जबान नहीं होती, सिनेमा सिर्फ सिनेमा होता है। हिंदुस्तान में, देश में कोई भी सिनेमा आगे बढ़ता है तो पूरे देश का सिनेमा आगे बढ़ रहा है, ये बात हम हमेशा याद रखेंगे, तो सारा सिनेमा आगे बढ़ता रहेगा। और देखिए आज साउथ ने कितनी बड़ी एग्जाम्पल सेट कर दी है, आज साउथ ने भी बहुत मार्के का काम किया है, और पूरे वर्ल्ड में उन्होंने दिखा दिया है कि हम लोग हॉलीवुड से पीछे नहीं हैं। तो आज इससे पहले कि मैं अपनी स्टार कास्ट के साथ आपका तारुफ कराऊं, बाकी सबके साथ दो बातें करूं, मैं मेरा दिल सबसे पहले ये कह रहा है कि मैं हम सब की तरफ से, जितना दिल हम सब लोगों का इकट्ठा करके एक ही बनता है ना, उसकी आखिरी तय में जाके मैं आमिर खान साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं सर। पंजाबी कॉमेडी को अगर किसी ने डायलॉग में एक इज्जत दिलवाई है, वरना क्या होता था कि कुछ भी बोल दो वो कॉमेडी हो जाती है, लेकिन इतना बड़ा मकाम इन्होंने पंजाबी स्क्रिप्ट राइटिंग को दिया है। नरेश कथूरिया कैरी ऑन जट्टा फर्स्ट लिख के इन्होंने एक सबके लिए चैलेंज खड़ा कर दिया था कि इसके बाद अब क्या लिखा जाए, और इन्होंने अपने चैलेंजेस को खुद ही बाद में एक्सेप्ट किया, और कैरी ऑन जट्टा 2 और 3 और भी बहुत पिक्चरें हैं, लेकिन मैं आज कैरी ऑन जट्टा की बात कर रहा हूँ। और इसके बाद हमारे इधर जानी साहब जितने बड़े गाने आप आज सुन रहे हैं, जानी को अभी इंट्रोड्यूस करवाना पड़े तो फिर तो मतलब ये इनकी कला का अपमान है, क्योंकि इस दौर में पंजाबी सिनेमा की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदुस्तान में अगर कोई सबसे अच्छा लिख रहा है, मीनिंगफुल लिख रहा है आज के दिन में, तो वो जानी है। और सानी साहब, जानी के साथ सानी, इनका कोई सानी नहीं है, तो ये हमारे पंजाबी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, क्योंकि मेकिंग तब तक सफल नहीं है, तब तक सक्सेसफुल नहीं है जब तक वो ऑडियंस तक सही से पहुँचे ना, तो सानी साहब ने डिस्ट्रीब्यूशन का
जो एक नया सिलसिला पंजाब में चलाया, इन्होंने हमें सिखाया कि पिक्चर बना के लोगों तक लेके कैसे जाते हैं, और आज तक भी इनके लेवल तक कोई पंजाब में पहुंच नहीं सका। सानी साहब बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतना साथ दिया। जब आपने उन्हें अप्रोच किया कि हेलो दिस नाउ द ऑडियो स्टार्टेड, जैसे कई बार बुगी भाजी ने कहा कि धरोहर है, हम सब मानते हैं जितने भी लोग इस वक्त इस सिनेमा घर में बैठे हैं कि ये वाकई में हिंदुस्तान का एसेट है, धरोहर है। व्हाट वाज हिज रिएक्शन कि आप आइए और ट्रेलर लॉन्च करिए, क्या कहा? जैसे मैंने कहा कि जल्दी राजी नहीं होते हैं हर चीज के लिए। अच्छा, मतलब क्या ये फॉल्स चीजें फैला रहा है मेरे पास? एक्चुअली मैं जेन्युइनली बताऊं कि जब मैंने बताया भी अपनी टीम को, पीयर वालों को, कि आमिर भाई आएंगे, तो उन्होंने वापस जाके मेरे मैनेजर विनोद जी को कंफर्म किया कि आप कंफर्म कर लीजिए, हम मीडिया को अपडेट नहीं करेंगे कि वो नहीं आएंगे। विनोद जी मुझे बोलते कि भी सर आएंगे, मैं कहा हाँ, कहता वो बोल रहे हैं कि नहीं आएंगे, मैं कहा उनकी बात हुई है या मेरी बात हुई है? मतलब सीरियसली मैं बताऊँ, मैंने उनको एक मैसेज ड्रॉप किया एंड मैं उस टाइम छुट्टियों पर था मैक्सिको, तो इन्होंने मुझे कॉल किया कि मैं कहते अभी इज दिस अ राइट टाइम टू कॉल, मैं कहा हाँ जी पाजी, तो तभी इनका कॉल आया, कहते हाँ बता कब करना है, मैं कहा पाजी ऐसे ऐसे आप बताओ कौन सी डेट है, इन्होंने बोला कि तू बता कौन सी डेट है, जिस डेट को बोलेगा कर लेंगे। और जेन्युइनली मैंने अपनी टीम को बताया कि पाजी आएंगे, वी आर सो हैप्पी, और बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं था कि, क्योंकि शायद, क्योंकि जिस आमिर को मैं जानता हूँ शायद आप पता नहीं तो किसी और को जानते हैं, मतलब मेरे साथ तो जब से हैं, मतलब कभी भी ऐसा नहीं हुआ। और पंजाब आते हैं, जब हमारे घर आते हैं, वहाँ बैठते हैं, क्योंकि मैं इनको, मेरे लिए ये बड़े भाई हैं, मतलब हमने इनको बचपन से देखा है, पिक्चरों में बहुत सी चीज़ें सीखी हैं, और सबसे ज़्यादा जो चीज़ें सीखी हैं वो मतलब मैंने फिल्मों में इनसे नहीं सीखा, इनको जब मिलता हूँ, इनसे बात करता हूँ, तो तब मुझे पता चलता है कि ज़िंदगी क्या है, कैसे रहना चाहिए। क्योंकि स्टार, जैसे कुकी भाजी ने बोला कि कोई भी आर्टिस्ट बन जाता है, इतना हम्बल मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई बंदा नहीं देखा। आज मैं इस फिल्म की बात कर रहा हूँ, तो बहुत बहुत मुबारक सारी टीम को, और क्योंकि ये टीम मेरे लिए बहुत खास है, मेरे परिवार की तरह है, और कुकी पाजी मेरे टीचर रहे हैं कॉलेज के टाइम से, जब हम लोग थिएटर करते थे तो मैंने इनसे सीखा है, पल्ला साहब इनको हम लोग सुनते रहे हैं ऑडियो कैसेट और ये सब, और गिपी पाजी भाई हैं, समीप पाजी, उनके उनके लिए मेरे मन में बहुत रिस्पेक्ट है। जैसे कुकी पाजी ने कहा कि किस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ में यू नो बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, हर आर्टिस्ट की शायद हिस्ट्री में ऐसा होता है, और मुझे बड़ी खुशी है कि आज आप इतनी अच्छी अच्छी फिल्में बना रहे हैं। और मैंने कैरी ऑन जट्टा फर्स्ट जो थी रिलीज से पहले देखी थी, जब समीप पाजी ने, गिपी पाजी ने यहाँ पे प्रीमियर रखा था, तो मैंने फिल्म देख के बोला, मैंने कहा आपकी फिल्म बड़ी सुपर डुपर हिट है जी, पहली बार आपको याद होगा समीप पाजी, और ऑब्वियसली फिर दुनिया ने इतना प्यार दिया, और अभी ये इस फ्रेंचाइज का तीसरा पार्ट जो है आ रहा है, और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, और बस थैंक यू सो मच, आप इसको और लोगों तक पहुंचाएं और बताएं लोगों को, ताकि जैसे पाजी ने पहले कहा कि हम लोग पहले ना बड़ी सारी ऐसी बातें होती हैं जिनको शायद, जैसे कोई बोलता है कि अच्छा ये साउथ का सिनेमा आ रहा है या पंजाबी का सिनेमा, जब हमारी कोई रीजनल सिनेमा से जाके, फॉर एग्जांपल जैसे आरआर अगर ऑस्कर में जाती है, तब हम कहते हैं हमारी इंडियन मूवी है। सच्चाई ये है कि हिंदुस्तान में जो भी फिल्म बन रही है वो हिंदुस्तानी मूवी है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारी इतनी डाइवर्सिटी है, हमारी कंट्री में इतनी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, और जो भी क्रिएटिव आदमी होता है, कोई अच्छा राइटर, कोई अच्छा डायरेक्टर, कोई अच्छा एक्टर, वो कहीं किसी भी जगह पैदा हो सकता है। हमारे देश में तो ऊपर वाले का इतना हाथ है, सो इतना टैलेंट है, और मुझे लगता है कि अच्छा सिनेमा है वो जो हमेशा ही उसको प्रमोट होना चाहिए, और इसके लिए मैं एक बार फिर से आमिर भाई आपको थैंक्स कहना चाहूँगा कि आप इस फिल्म के लिए आगे आए, और बाकी बस बाकी आप लोगों के हाथ में है। रसल फ्रॉम PTI, आपसे ये सवाल है कि एक टाइम था बॉलीवुड के बड़े बड़े जाने माने स्टार जैसे पृथ्वीराज कपूर साहब, उन्होंने पंजाबी फिल्म की थी, उस टाइम की सबसे बड़ी हिट फिल्म थी आई थिंक सो नानक नाम जहाज है, और उसके बाद धर्मेंद्र साहब, शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने भी पंजाबी फिल्में की, लेकिन उसके बाद बॉलीवुड के जाने माने नो ए लिस्टर्स, बिग स्टार्स, हम उनको पंजाबी सिनेमा में ना तो देखते और हेडलाइन तो डेफिनेटली नहीं करते। What do you think so? क्या रीज़न है, और वुड यू लाइक टू स्टार्ट दिस ट्रेंड अगेन? एक्चुअली या अमित, जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे कहानी पसंद आनी चाहिए, और अगर वो एक दूसरे भाषा में है बट आई रियली लव इट, फिर मैं भाषा सीख के करूँगा मैं। आई थिंक वो टाइम पे जो स्टार्स थे वो उनकी फर्स्ट लैंग्वेज भी, जैसे यूसुफ साहब हैं वो पंजाबी बोलते थे,
यू नो राज कपूर जी पंजाबी बोलते थे, तो उनके लिए थोड़ा नेचुरल था पंजाबी फिल्म करना. आई थिंक हम लोग के लिए शायद थोड़ा एफर्ट हो जाएगा. लाइक फॉर एग्जांपल पंजाबी इज नॉट माय फर्स्ट लैंग्वेज, बट आई वुड लव टू डू इट. अगर मुझे कभी मौका मिले आप कभी बताना. मुझे याद है पाजी ने पहले भी एक बार मुझे बोला कि अगर कुछ हुआ. आपको एक अच्छी सी कॉमेडी लिखी है मेरे लिए, मुझे कॉमेडी करना बहुत पसंद है. हाँ इनसे पूछिए अंदाजा अपना अच्छी की मैंने. एक्चुअली मैं आपको बताऊं जे कैरी ऑन जट्टा जो फिल्म है जी, मतलब मुझे लगता है कि जो इसकी हार्डकोर फैन बेल्ट है वो सिर्फ ये देखने जाते हैं कि हम खूब हंसे. एंटरटेनमेंट होना चाहिए इसमें बहुत. तो मतलब हम जब बैठते थे, समीप जी ने मुझे बोला था कि कोई भी सीन शूट करना है ना, तो सीन शूट करने से पहले मुझे पूरी स्टार का, जबकि पूरी रीडिंग हो चुकी थी, सब कुछ हो चुका था, तब भी मुझे 3 से 3.5 घंटे चाहिए हर सीन में कि मेरे साथ पूरी कास्ट बैठ के वहाँ पर डिस्कस करे कि सीन को और बेटर कैसे किया जा सकता है. मतलब ये एक ऐसी फिल्म है कि आप पूरी फिल्म नहीं देखते हो ना, आपको सिर्फ एक ही सीन दे देते हैं, वो इन बिटवीन कोई भी सीन है, आप उसमें भी बहुत हंसोगे. सो बेसिकली हमारा इसी पे एफर्ट लगा हुआ था कि आप खूब हंसो और फिल्म ऐसे ना हो कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब इतनी भी लाउड ना हो. तो वो एफर्ट हमने किया और मुझे लगता है कि बाकी तो यही है कि हर बार जब 2012 में बनी थी तो तब एक अलग स्केल पे बनी थी, जब 18 आया तो बड़ी बनी फिल्म, तो अब हमने वापस बनाई है तीसरी, तो बहुत हमने कोशिश की है कि बहुत अच्छी बने, विजुअली अच्छी हो, लोकेशंस अच्छी हों, क्योंकि फिल्म हैप्पी फिल्म है, जब लोकेशन बड़ी हैप्पी हैप्पी होती है तो और बूस्ट होता है वो चीज़. मेरा सवाल ये है कि अंदाज अपना अपना को आज भी याद किया जाता है. आप गिप्पी से पूछे ना, ये गिप्पी की फिल्म का सवाल पूछे ना प्लीज. ये इसी से कनेक्टेड है, है? कि मतलब अच्छा? हाँ कॉमेडी से कनेक्टेड है. अच्छा मारा उसने, कनेक्टेड कैसे कनेक्टेड मेरे को समझाइए पहले. मतलब कॉमेडी से कॉमेडी कनेक्टेड है, कॉमेडी हाँ. कि लाइक आपकी अंदाज अपना अपना बहुत हिट हुई और आज भी. नहीं नहीं फ्लॉप हुई थी भाई. हाँ थिएटर में बहुत बड़ी फ्लॉप हुई थी. लोगों